अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। हम सभी कामाख्या जाते हैं, हम सभी की इच्छा होती है कि हम लोग कामाख्या के दर्शन करें, खास करके जो तंत्र में है उनको पता है कि वो तंत्र पीठ है और कई कहानियाँ वहाँ के डाकनियों के बारे में, वहाँ की जोगनियों के बारे में, वहाँ के मयंक शहर के बारे में ऐसा हर जगह प्रचलित है। तो सभी तांत्रिक साधक को कैसा लगता है कि अगर वो कामाख्या जाएंगे तो उनकी साधना जल्दी पूर्ण होगी या उनको भगवती के दर्शन जल्दी हो जाएंगे। बात सही है, जो शुरू से शास्त्र बोलता आया है वो ये बोलता आया है कि कामाख्या ही तंत्र पीठ है। कामाख्या वरदा देवी नील पर्वत वासिनी टंग देवी जगन्ना माता योनि मुद्रा नमोस्तुते। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरि प्रियम कामना देहिम नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। मतलब कामाख्या वरदा देवी, जो वर है आपको, जो मन में इच्छा है वो कामाख्या पूर्ति करती है, इसीलिए हरि प्रिया कामाख्या जो है उनके पास आपको जाना चाहिए। मतलब लक्ष्मी स्वरूप में भी भगवती वहाँ बैठती है। तो जो कामाख्या गए हैं उनको पता है कि तीनों भगवतियों का वहाँ, जो एंग रिंकलिंग जैसे वैष्णो देवी में है उसी तरीके से तीनों भगवतियों का वहाँ पर स्थान है, ठीक है। तो कामाख्या में आप साधना करते हैं तो आपको विद्या हो, मोक्ष हो या फिर धन हो, तीनों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर आप कामाख्या जाएं तो करें क्या, कौन से मंत्रों की साधना करें, कौन सा विधान करें, ठीक है। एक तो जैसे हमने बताया कि कामाख्या को, कामाख्या आप जाते हैं तो हमेशा गर्भगृह ना घुसें, लेकिन बाहर से कम योनि मुद्रा बना करके कामाख्या वरदा देवी नील पर्वतवासिनी टंग देवी जगन्ना माता योनि मुद्रा नमोस्तुते ऐसे प्रणाम करें, और उसके बाद जो कामाख्या का बीज मंत्र है त्रिम, उसका जाप करें जितने देर आप वहाँ बैठते हैं। लेकिन भगवती किस स्वरूप में कामाख्या में बैठती है ये आपको पता है क्या? कामाख्या पीठ इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवती का एक अंग जो है वो वहाँ पर गिरा था, ठीक है, और उसी अंग पर आधारित जो है उस स्थान का नाम कामाख्या हो गया। लेकिन क्या उस स्थान पर जो देवी विराजती हैं वो कामाख्या ही है? मतलब उनका एक नाम कामाख्या ही है, सिर्फ उन्हीं से वो स्थान चलता है? तो ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत गुप्त विषय होते हैं जो कि बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद आपको पता चलता है। जब आप कुछ पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको कामाख्या का वर्णन मिलता है, ठीक है। जब आप योगिनी तंत्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वशिष्ठ मुनि जो थे वो तारा को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया और उन्होंने सिद्ध भी कर लिया था। तो शुरुआत में वशिष्ठ मुनि जो सिद्धि कर रहे थे, वो सिद्धि कर रहे थे जो उनका वैष्णव मार्ग था उससे। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब उनसे सिद्धि नहीं हुई तो महादेव ने उनको बताया कि चीनाचार पद्धति से ही तारा की सिद्धि हो सकती है। तो वशिष्ठ मुनि ने चीनाचार विद्या सीखा और उसके बाद जो है वो जगह जगह भटकते रहे तारा की साधना के लिए। जो पहला स्थान जहाँ पर वशिष्ठ मुनि तारा को अवतरित करने के लिए गए थे वो कामाख्या था। उस समय कामाख्या की कहानी ये थी कि कामाख्या जो है वो एक राक्षस के अंदर में आता था, ठीक है, और वो जो दैत्य था उसने नारायण की बहुत सारी तपस्या की थी, तो नारायण ने खुश होकर के जो काम प्रदेश था उसका जो आधिपत्य था उस राक्षस को दे दिया था। तो वो राक्षस जब भी भगवती की साधना होती थी, जब भी भगवती के अंदर में श्रृंगार होता था तो वो द्वारपाल बन के खड़ा हो जाता था और किसी को प्रवेश नहीं करने देता था, जैसे कि उसको नहीं भी करने देना चाहिए। जब मुनि श्रेष्ठ वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनको रोका, बोला कि हम जो है अभी भगवती का श्रृंगार चल रहा है, आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। तो उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का ताव दिखाते हुए उस राक्षस को बोला कि तुम्हें पता है कि हम आए हैं स्वयं कामाख्या में तारा की साधना करने के लिए और आप हमको इस साधना को करने से रोक रहे हैं, आप बहुत पापी हैं। वहाँ पर उस राक्षस को उन्होंने, दैत्य को पहले उन्होंने श्राप दिया और उसके बाद कामाख्या को श्रापित कर दिया ये कह के कि हमारी साधना आपने अस्वीकार की, हमें आपने अंदर नहीं आने दिया, आज से कामाख्या जो है वो तेज विहीन हो जाएगा, यहाँ किसी की का साधना सिद्ध नहीं होगा।
अब वहाँ पर बैठी भगवती तारा जो है वो विचलित हो गई, वो सीधे कैलाश पहुँच गए और महादेव को पूरी कथा बताई कि इस तरीके से मुनिवर आए थे और उन्होंने जो है कामाख्या को श्रापित कर दिया है कि यहाँ किसी की साधनाएँ नहीं होंगी, किसी की सिद्धि नहीं होगी, जो तंत्र पीठ है उसका जो ख्याति है वो समाप्त हो जाएगा। अब सोचो एक ब्रह्मचर्य, एक मुनि की ताकत इतनी थी कि उस श्राप को महादेव कैलाश पर बैठ के काट नहीं पाए। महादेव वापस आए नील पर्वत पर और नील पर्वत पर उन्होंने साधना किया और साधना करने के बाद जो है वो श्राप जो है वो खत्म नहीं हुआ, उसका जो प्रभाव था वो कम हो गया। कम होने से ये हुआ क्योंकि एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था तो कामाख्या पर एक जो है ब्रह्म हत्या का पाप लगा था जो कि 300 वर्षों तक चलता है। तो 300 वर्षों तक कामाख्या की पूजा नहीं हुई वहाँ पर और 300 वर्षों के बाद पुनः भगवती तारा कामाख्या के गर्भगृह में स्थापित हुई और वहाँ पर पूजा शुरू हुआ। इधर वशिष्ठ मुनि ने तारा को सिद्ध कर लिया और फिर उनको जो है स्थान दिया ला करके, एक ज़िला है बिहार में वहाँ पर उग्र तारा के रूप में वो स्थापित है। वशिष्ठ मुनि की कहानी उसके आगे भी चली कि वशिष्ठ मुनि जो है इतना मातृभाव से भगवती को देखते थे कि पूरे जीवन उनके चरण को ही देखते रहे, कभी भगवती को प्रत्यक्ष नहीं कर पाए और इस विलास में कहीं ना कहीं उनके अंदर में ये इच्छा थी कि भगवती को देखे, वो शरीर का उन्होंने परित्याग कर दिया लेकिन शरीर में वापस आना पड़ा फिर से भगवती को देखने के लिए और बामा खेपा के रूप में पुनः वो अवतरित हुए। फिर तारापीठ जो है वीरभूम जिले में वहाँ पर प्रसिद्ध तांत्रिक बने और उन्होंने भगवती को मसान में फिर से चीनाचार पद्धति से जो है अवतरित करवाया। अभी भी वहाँ पर पद चिन्ह है भगवती का। भगवती वहाँ पर किस रूप में आई, तो जब महादेव को गले में बहुत जलन हो रहा था, जब उन्होंने हलाहल पी लिया था तो महादेव बहुत व्यथित हो गए थे, तो महामाया जो है मातृ रूप में आई, महादेव जो है छोटे बच्चे बन गए और फिर महादेव को महामाया ने मातृ रूप में जो है वात्सल्य भाव से जो है स्तनपान कराया और जब वो दूध महादेव के गर्दन के अंदर पहुंचा तब जो वो हलाहल का जो दर्द था, जो लहर था, वो कम हो गया। तो इसी रूप में भगवती तारा जो है फिर आ करके अवतरित हुई तारापीठ में और कहते हैं कि जिस रूप में भगवती अवतरित हुई थी उसी रूप में फिर भगवती वहाँ पर स्थित हो गई, इसीलिए तारापीठ को पूर्ण तंत्र पीठ भी कहते हैं। वो जो मूर्ति है जो हमेशा नहीं दिखाई जाती, रात्रि में दर्शन के लिए खुलता है वो मूर्ति, वो कहते हैं कि भगवती स्वयं है उस मूर्ति के रूप में। उस मूर्ति को कई बार खंडित करने की कोशिश की गई, वो खंडित कभी हो नहीं पाया। वो कभी लक्ष्मी के रूप में पूजा गया, कभी उनको तालाब में विसर्जित कर दिया गया, फिर निकाला गया, आज भी उनकी पूजा वैसे ही हो रही है। मूर्ति आप देखेंगे तो आपको वो दिखेगा कि किस तरीके से महादेव भगवती का स्तनपान करें, वो अंदर है, वो मूर्ति जो आप मूर्ति देखते हैं उसके अंदर है। अब आते हैं कि साधना क्या करें। तो जब आप कामाख्या जाते हैं तो जैसे मैंने बताया कि त्रिम जो बीज अक्षर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए, लेकिन जो लोग तारा भगवती का तुरंत एक लाभ देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि तारा भगवती उनके सामने अवतरित हो, एक तो तारापीठ ज़रूर है। तारापीठ में अगर महादेव और तारा का मंत्र आपके पास है तो देवी बहुत जल्दी जो है आपके सामने प्रकट हो जाएगी, लेकिन अगर सिर्फ तारा की आपको साधना करनी है तो कामाख्या से उत्तम जो है स्थान नहीं है कहीं भी। तो कामाख्या जा करके ओम ह्रीं स्त्रीं ताराय हुम फट स्वाहा या ओम ह्रीं स्त्रीं ताराय नमः इस मंत्र का जाप या स्त्रिंग बीज अक्षर का 400,000 जाप, ठीक है, इस तरीके की साधना अगर आप करते हैं वहाँ पर। देखिए वहाँ पर अब कोई मसान बचा नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसा स्थान नहीं बचा है जहाँ अघोरियों का पूरा एक तांता लगता हो। जो मयंग आज के दिन में है और जो गुप्त मयंग जिसकी कथाएं हैं कि जहाँ पर योगिनियाँ जो हैं लोगों को कुत्ता बिल्ली बना देते थे, वो गुप्त हो चुका है, वो आम लोगों के लिए नहीं है, वो आम लोगों की दृष्टि में दिखता भी नहीं है, उसका दिशा बंधन हो गया है। एक स्थान बचा है जिसका नाम मयंग है तो लोग वहीं चले जाते हैं। तो जो सबसे शक्तिशाली स्थान अब कामाख्या में है वो कामाख्या मंदिर ही है जहाँ 300 साल बाद आकर के भगवती ने फिर से स्थान लिया था, ठीक है। तो वहीं पर आपको बैठ करके तारा का जो जाप है वो एक ही माला से, अगर रुद्राक्ष से शुरू करते हैं तो रुद्राक्ष से और अगर स्फटिक से शुरू करते हैं स्फटिक से, और 400,000 जो है कम से कम बीज अक्षर का जाप करना चाहिए
उसके बाद ओम ह्रीं स्त्रीं ताराय नमः इस मंत्र का कम से कम 24 लाख जाप करना चाहिए। ऐसा करने से जो भगवती है वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। तारा की साधना हर एक व्यक्ति को करना चाहिए जो कि तंत्र में आना चाहता है। तारा सबसे वात्सल्य भाव में 10 महाविद्या है, भले ही वो मसानी है लेकिन वो सबसे वात्सल्य भाव में है और वो अपने साधकों को बहुत कुछ देती है। इसमें एक जो है अलर्ट मैं जारी करूँगा कि जब भी 10 महाविद्या की साधना आप करते हैं तो उसके साथ हमेशा भैरव जी की साधना करनी चाहिए। 10 महाविद्या की साधना करने से क्या होता है कि आपको लगता है कि आप इस जो संसारिक दुनिया है इसको छोड़ दें, ठीक है। लेकिन अब जब भैरव जी की साधना करते हैं तो टाइम खुद को मैनेज करता है, टाइम समय खुद को मैनेज करता है, आपको नहीं। और आप जो है आध्यात्म और जो माया जिस जीवन के लिए आपको भेजा गया, जिस एक्सपीरियंस के लिए आपको भेजा गया है वो आप कर लेते हैं। हमने जिस मंत्र से तारा को अवतरित किया था वो तो खैर अवतरित हुई थी आकर के, जो अमावस्या भगवती का है उस दिन तारापीठ में हम हवन कर रहे थे, और हमारे गुरु परिवार का जो मंत्र जिसमें महादेव और भगवती साथ में है, तारा और महादेव, उस मंत्र से हमने साधा था। और हमारे सामने हजारों की भीड़ में चिता से हाथ निकला, हमें आशीर्वाद दिया, और वो दृष्टि हम कभी भुला नहीं सकते। जो शुरुआती साधक है उनको चाहिए कि वो भगवती तारा की साधना से शुरू करें, ठीक है। सबसे आसान जो है, जो सबसे जल्दी प्राप्त किसी की अगर आपको साधना होगी कोई ऐसी भगवती जो तुरंत आपको फल देंगी तो वो तारा भगवती। और कहते हैं कि तारा की साधना इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आपने भगवती को सिद्ध कर लिया तो महादेव जो है आपके पीछे दौड़े चले आते हैं। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान, तारा की साधना कीजिए। अगर कामाख्या जाइए तो कामाख्या की साधना के अलावा तुरंत फल, तुरंत लाभ आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही। रांची वाले भैरव बाबा आप सभी को अनंत धन दे, एक अच्छा साधक बनाए, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।